नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इस वक्त सबसे चर्चित मुद्दा है मध्य प्रदेश में, वो है जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का। पिछले 6 दिन से जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और इस वजह से पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप सी हो गई हैं। खासकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पतालों में हालात बहुत बुरे हैं। मरीजों को कोई देखने नहीं जा पा रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं, उनके ऑपरेशंस लगातार टाले जा रहे हैं जिनकी बहुत ज़रूरी है, जिन ऑपरेशन की, वे ऑपरेशन भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण नहीं हो पा रहे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है और हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं। हाईकोर्ट का यह मानना है कि इस वक्त स्थितियाँ प्रतिकूल हैं, खराब हैं और ये हड़ताल के लिए बिल्कुल भी मुफीद समय नहीं है, उचित समय नहीं है। इस वक्त मानवता की सेवा करने की ज़रूरत है। डॉक्टरों को पूरी ताकत से, प्राणपण से अस्पताल में जाने की ज़रूरत है, मरीजों का इलाज करने की ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि डॉक्टर्स अपने स्वार्थ के चलते हुए हड़ताल पर डटे हुए हैं। चिकित्सा मंत्री जो हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, वो कह रहे हैं कि वो लगातार बात करना चाहते हैं, संवाद बनाना चाहते हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स अपनी संवाद नहीं जारी रखना चाहते हैं और जिद पर अड़े हुए हैं और इस वक्त ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है डॉक्टर्स के खिलाफ कि डॉक्टर्स मौके का फायदा उठाकर, हालात का फायदा उठाकर सरकार को ब्लैकमेल करके अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, जबकि सारंग का ये कहना है कि पहले ही 3 मांगे अक्षरशः स्वीकार कर ली गई। उधर जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है जवानी जमा खर्च हो रहा है, किसी भी मांग मानने के कोई ऑर्डर्स नहीं निकलते हैं, ना उनका स्टाइफंड बढ़ाया जा रहा है, ना उनकी सुरक्षा की चिंता की जा रही है। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स मौत के मुंह में समा गए हैं कोविड के चलते, मारपीट के चलते, लेकिन ना तो उनके इलाज की व्यवस्था हो पाती है, ना उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो पाती है। जूनियर डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि हमारी इलाज के साथ साथ अगर हमारे परिजन भी बीमार होते हैं तो उनके लिए भी अलग से सुविधा होना चाहिए, बेहतर सुविधा होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या जूनियर डॉक्टर सही हैं? सवाल ये है कि क्या सरकार जिन मुद्दों पर अड़ी हुई है वो सही है? सवाल ये है कि क्या ये हड़ताल का समय सही है? और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जूडा के संयुक्त अध्यक्ष रण सिंह तंवर और जूडा की प्रवक्ता कीर्ति सिन्हा। आप दोनों का स्वागत है, दोनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर रण सिंह तंवर और डॉक्टर कीर्ति सिन्हा, आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा रण सिंह तंवर जी की मूलतः आपकी मांगे क्या है? जो हमारी मूलतः मांगे हैं उसमें पहली मांग हमने रखी थी जूनियर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेके। आपने जैसे सवाल उठाया कि क्या ये समय सही है, मैं उस पर बात जाऊंगा। पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को ये पता हो कि आप किन मांगों को लेकर स्ट्राइक पर हैं। जी, हमारी जो मुख्य मांग में एक सुरक्षा, जूनियर डॉक्टर्स को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो, जूनियर डॉक्टर्स के परिवार को जब जरूरत पड़े तब उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो। हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए अस्पताल में बेड रिजर्व हो, लेकिन जब जरूरत पड़े तब हमें मिले, ये हमारी मूलभूत मांग है। उसके साथ ही सरकार ने 2018 में एक वादा किया कि आपके मानदेय में 6% की वृद्धि की जाएगी हर साल, लेकिन आज तक ना तो उनने वो तब लिखित में दिया था ना आज वो लिखित में देने को। 18 से 21, 3 साल हो गए, आपके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई। जी, हमारे मानदेय में 2018 से लेके अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुई। 2018 में आखिरी बार हुई थी, वो भी तब जब जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल करनी पड़ी थी। मतलब कहीं ना कहीं सरकार खुद से आगे आके मानदेय बढ़ाने का अपना प्रस्ताव रखती ही नहीं है। मजबूरन जूनियर डॉक्टर्स को जब 4-5 साल हो जाते हैं उनकी स्टाइफंड वहीं का वहीं रहता है, लेकिन महंगाई में वृद्धि हो जाती है। जूनियर डॉक्टर्स की फीस को बढ़ा के 50,000 से 1,00,000 कर दिया जाता है, लेकिन उनके मानदेय के ऊपर कोई भी सरकार अपना ध्यान नहीं देती है। सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स की आपको जो सुरक्षा है वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट तो ऑलरेडी लागू है इस प्रदेश में, फिर और किस तरह की सुरक्षा आप चाहते हैं? सुरक्षा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू होता है तो वो कहीं ना कहीं जब जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो जाती है उसके बाद लागू होता है, या कहीं अभी तो एक असम का इंसिडेंस आप देख लीजिए, एक डॉक्टर को इतनी बेरहमी से मारा गया है कि देख के लगता है कि मैं डॉक्टर बनूं या नहीं बनूं, कहीं ना कहीं एक डर का माहौल रहता है। तो अगर जूनियर डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, डॉक्टर तंवर, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो मीडिया वाले के साथ भी हो सकता है, अधिकारियों के साथ भी हो सकता है,
ये एक रिस्क तो सबके साथ है काम जी, करते एक वक्त। रिस्क है पर मैं, भीड़ का दिमाग नहीं होता ना डॉक्टर तवर, भीड़ का दिमाग नहीं होता है, लेकिन आप सुरक्षा अस्पताल है जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे कम से कम सुरक्षा कर्मी पुलिस कर्मी रख सकते हैं, जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टर्स पे जब तनावपूर्ण माहौल हो तब तो उनको बचाया जा सके। आप अगर सुरक्षा जो सेंसिटिव एरिया है वहां पे अगर आप सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया नहीं करवाएंगे तो कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स अपना जो कार्य है जितने लगन से वो कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं एक डर के माहौल में करते हैं। डॉक्टर कीर्ति, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब ये मानते हैं कि जो कोर्ट फैसला देती है वो सबको मानना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट बोले या लोअर कोर्ट बोले। हम मानते हैं कि हम एक न्यायिक व्यवस्था के तहत, एक जुडिशियल सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, और हमारा अगर कोई इशू कोर्ट में डिसाइड होता है तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप अपनी हड़ताल समाप्त कर दें वरना वो सरकार को कहेगी कि आपके खिलाफ कार्रवाई करें। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये सही समय नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि अभी ये सेवा मानवता की, पीड़ित मानवता की सेवा करने का समय। लेकिन आप लोग इतने एडमेंट हैं, इतने जिद्दी हैं कि आप हाई कोर्ट तक की बात नहीं मान रहे। सर अभी अगर आप हम में से किसी में से भी पूछेंगे तो हड़ताल सही नहीं होती है, तो इसके लिए कोई सही समय भी नहीं होगा। हड़ताल अपने आप में एक गलत चीज़ है। आपको अपनी मांगों के लिए इतनी हट धर्म तक क्यों दिखानी पड़ रही है? क्या कभी हमारे बारे में सोचा गया? हम यहाँ तक क्यों आए? हमने नहीं सोचा था हम इस्तीफा देंगे, हमने नहीं सोचा था हम हड़ताल करेंगे। 31 तारीख से हमारी हड़ताल होने वाली थी, 30 तारीख को जितने जूडा हैं हमारे प्रदेश के वो सारे लोग भोपाल में मौजूद थे ताकि हमारी उनसे बातचीत हो कि सर आपने हमारी मांगे 6 मई को ही स्वीकार कर ली थी, आप बता दीजिए उसका आगे क्या हो रहा है, उसका रिटर्न ऑर्डर हुआ आपने क्या किया उसके बारे में। तो हम लोग कल से स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम तो एक दिन की भी स्ट्राइक नहीं करना चाहते थे। मैं आज सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी प्लानिंग एक दिन के लिए भी नहीं थी। हम मुझे आप पूछे अब मैं कल क्या करने वाली हूँ, जिद पे हो गए, इतने एग्रेसिव हो गए कि आप इस्तीफे दे रहे हैं, आपको भी भोपाल से सूचना है कि आपको भी हॉस्टल खाली करने को कहा गया है, आपको सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं, आप लोग जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको वो हटा देगी और आपसे 35 लाख रुपए 30 लाख रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे, आपको अपनी सीट छोड़ने तक के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो इतना एग्रेशन क्यों, कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे आप? रास्ता निकालने के लिए हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं सब भोपाल में मौजूद हैं, लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनकी मीटिंग हो जाए। हम अपने अपने लेवल पे अपने कॉलेज के डीन सर के पास जा रहे हैं कि सर हमारी आप किसी से बात करवा दीजिए, हमें पता तो चले हमारी मांगों को लेकर कि कौन सी मांगे उन लोगों ने मानी है, कहाँ तक मानी है, उसका कोई लिखित आदेश है या नहीं। इसके पहले भी 2 बार स्ट्राइक मौखिक आश्वासनों पर वापस कर ली गई थी, 2 बार कभी भी कोविड की सेवाएं हमने बंद नहीं करी, ये पहली दफा है जब हमें कोविड की सेवाएं बंद करनी पड़ी है। और समय नहीं पहले भी हड़ताल पे गए थे तब आप कोविड के मरीजों को देख रहे थे। सबसे पहले जो हमारी हड़ताल हुई थी तब हमने समानांतर ओपीडी से, सबसे पहले हम लोगों की 6 मई के से भी पहले 1 महीना पहले हुई थी तब हमने सांकेतिक हड़ताल करी थी, तब हमने समानांतर ओपीडी करी थी, काली पट्टी बांध के काम किया था, समानांतर ओपीडी कराई थी जिससे मरीजों का नुकसान ना हो, कोविड ड्यूटी चल रही थी, इमरजेंसी सेवाएं चल रही थी। 6 मई को हम लोगों ने आधे दिन की स्ट्राइक करी, सारंग जी हमसे मिले शाम को 7 बजे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर के ट्वीट किया कि हमने आपकी मांगे मान ली है, तुरंत सारे के सारे डॉक्टर्स अपने काम पे वापस आ गए। ऐसा भी नहीं कि ठीक है एक दिन की हड़ताल पूरी करी हो, जैसे ही उन्होंने कहा हमने उनकी बात मानी, हम अपने काम पे वापस लौट आए। 30 तारीख को भी हमारी मंशा यही थी कि अगर हमें पता चल जाता है कि आखिर हमारी मांगों को लेकर के सरकार ने क्या किया है, 30 तारीख तक 24 दिन हो गए थे हमारी 6 मई की बातचीत को, तो हमें अगर पता चल जाएगी आपने कितना मानदेय बढ़ाया, हमने बराबर बताया था उन लोगों को कि बाकी जितने प्रदेश हैं, बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, सबने अपनी तरफ से अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनका मानदेय अपनी तरफ से बढ़ाया, वहाँ पे तो प्रोटेस्ट की खबरें नहीं आई होंगी, है ना। सरकार ने अपने आप अपने कोरोना वॉरियर्स को आइडेंटिफाई करा, उनको प्रोत्साहन देते हुए उनका मानदेय बढ़ाया। हमसे 2018 में एक वादा किया गया था, तब भी स्ट्राइक ही करनी पड़ी थी लोगों को अपना मानदेय बढ़ाने के लिए, तब हमसे वादा किया गया ये हम आपको बढ़ी हुई स्टाइपेंड दे रहे हैं, इसके बाद 6% की वृद्धि होगी आपके स्टाइपेंड में हर साल। आप हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं, ये हमसे बोला गया था। वृद्धि नहीं हुई इसलिए आप हड़ताल पर, वृद्धि नहीं हुई। और ये वाली जो मांगे है, अभी कोरोना काल में हमारे हमें जब इलाज की जरूरत थी तो हमें अस्पताल में जगह नहीं मिली, हमारे परिवार वालों को जरूरत पड़ी तो हमें जरूरत जगह नहीं मिली, देश के लोगों को जगह नहीं मिल रही थी ना। आपके परिवार वाले लोग स्पेशल तो नहीं है कि मेरी बेटी डॉक्टर है इसलिए मुझे स्पेशली कोई बेड मिलना चाहिए, पूरे देश में सिचुएशन थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी,
इन्फेक्ट हुए क्योंकि मैं मरीजों के पास गई, इससे अच्छा तो मैं भी छुट्टी लेके घर बैठ जाती, नहीं देखती मरीज। कहीं ना कहीं मेरे प्रोफेशन का खामियाजा मेरे परिवार वालों को भुगतना पड़ा, तो ये चीज तो ठीक नहीं है। डॉक्टर तंवर, एक मांग आपकी और भी है जो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत मांग है, कि आप कह रहे हैं कि हम गांवों में ड्यूटी नहीं करना चाहते और हमने जो कोविड ड्यूटी की है इसको गांवों की ड्यूटी मान लिया जाए। गांव का इंसान इंसान नहीं है क्या? गांव में ड्यूटी करने को कौन से जूनियर डॉक्टर ने मना किया है? गांव में ड्यूटी करना किसने मना किया? आप सुविधाएं मुहैया करवाइए। सरकार गांव में ड्यूटी करवाने के लिए 10 लाख का बंधन पत्र साइन करवाती है, आखिर जरूरत क्यों पड़ती है? आपसे मेरा एक सवाल है कि आखिर उस बंध पत्र की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप लोग गांव में जाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते? क्यों नहीं पसंद करते? आपने पूछा हमसे क्यों नहीं करते हैं? आपको शहर में रहना सुविधा चाहिए, हमको शहर में नहीं रहना है। गांव के अस्पताल में अगर हमको दवाइयां मिलेगी, गांव के अस्पताल में हमको उचित इलाज के संसाधन मिलेंगे तो हम वहां जाके भी करेंगे। गांव के अस्पताल में अभी 2018 से पहले जो वेतनमान था 26,000 रुपए मात्र था, जबकि शहर के अस्पताल में आपको 45,000 रुपए मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 45,000 रुपए मिल रहे हैं, वहां आप नौकरी करना चाहेंगे या 26,000 वाली जगह पे करना चाहेंगे? सेफ्टी सिक्योरिटी, शहर में पुलिस पास में रहती है, गांव में क्या? गांव में अगर नौकरी करवाने के लिए डॉक्टर को भेज रहे हैं तो उस हिसाब से आप सुविधाएं दीजिए। डॉक्टर करेंगे ना, डॉक्टर ऐसा नहीं बोलते कि हम गांव में नौकरी नहीं करेंगे, शहर में ही करेंगे। शहर में मेरा गांव है, मैं अपने गांव में रहता हूं, मैं अपने माता पिता के साथ में रहकर अपने गांव की सेवा करना चाहूंगा, ना कि दूसरे शहर की। लेकिन मैं अपने गांव की सेवा इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझे जो संसाधन चाहिए वो वहां नहीं मिल पाते हैं। मैं अपनी योग्यता के अनुसार अगर वहां संसाधन ढूंढूंगा तो नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं वहां पे सेवाएं नहीं कर सकता हूं। यही वजह है कि सरकार को जबरदस्ती जूनियर डॉक्टर। अब एक ये मुद्दा है, सारंग साहब ने कहा, कीर्ति जी मैं आप कि भाई हम तो बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। और मेरा दिल खुला हुआ है, सरकार पीड़ित मानवता के लिए, मरीजों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूंगा, ये सारंग साहब कह रहे थे कल डीजेएनए न्यूज पर। सवाल ये है कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? आप अगर आपको चिकित्सा शिक्षा मंत्री से कोई आपत्ति तो मुख्यमंत्री जी से बात करिए, आप क्यों बात नहीं करना चाह रहे उनसे? हम बिल्कुल बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए भी, बात करने के लिए ही हमारे जितने अध्यक्ष हैं जबलपुर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर सब जगह के, वो इस वक्त भोपाल में है। स्टैग्नेशन कहाँ है सर? यहाँ से जा रही है, वो लोग लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पिछली बार जैसे सारंग जी ने बुलवाया था, इस बार कोई ऐसी पहल नहीं हुई है सर। वो कैसे पहुंच सकते हैं? हम छोटे लोग, डॉक्टर लोग, हम उतने बड़े मंत्री तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही डॉक्टर लोगों पर जिद्दी बहुत हो सर, अब अड़ना पड़ रहा है, हमारी बात नहीं मानी जा रही इसीलिए अड़ना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे मान सम्मान के ऊपर बात आ गई है। डॉक्टर तंवर, मुझे ये लगता है एक नागरिक होने के नाते, भूल जाए कि मैं पत्रकार हूँ, एडिटर इन चीफ हूँ, संपादक हूँ, मुझे ये लगता है कि आपकी मांगे सही हो भी सकती हैं। मैं मान लेता हूँ कि आपकी मांगे 100% सही हैं, लेकिन समय सही नहीं है, समय सही नहीं है हड़ताल का। समय मैं हर बार कह रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा की जो ज़रूरत है वो कोरोना के टाइम पे, जब सेंसिटिव है, मरीज के परिजन परेशान है, मरीज के परिजनों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मरीज के परिजन उस जो कमी का गुस्सा है वो किस पे निकालेंगे? उनके सामने अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ही मौजूद होते हैं, अगर वो गुस्सा निकालेंगे तो उन्हीं के ऊपर निकालेंगे, तभी हमको सुरक्षा की जरूरत है। अगर हम तब सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या वो समय गलत है सुरक्षा की मांग के लिए? क्या मैं बीमार हो गया और मुझे कोरोना की लहर में इलाज की जरूरत पड़ी, मैं अपनी जान दांव पे लगा के अस्पताल में इलाज करने जा रहा हूँ? इंदौर में भी एमआई में कुछ जूनियर डॉक्टर्स की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है जी, आप उन्हें एक कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी तुलना की गई कि देश तो आपको सम्मान कर रहा है, आपके तालियां बजा रहा है, थालियां बजा रहा है, मगर आपने हड़ताल करके सारा मामला जो है ना, हमने उनकी तालियों और थालियां हमें बचा नहीं पा रही है, उनकी तालियों और थालियों से हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भर रहा है। वो तालियां और थालियां बजाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भी दौड़ते हैं, ये आप नहीं दिखाते हैं, ये सरकार नहीं दिखाती कि वो मारने दौड़ते हैं, हमारा यही तो मुद्दा है। मारने तो इसलिए दौड़ते हैं कि भाई वो उनका पेशेंट परेशान है, आप उसको किसकी गलती, ठीक से देख नहीं रहे हैं, बुलाने पर आ नहीं रहे हैं, ठीक से देख नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो दोषी कौन? डॉक्टर।
इंजेक्शन नहीं मिला, दोषी कौन? डॉक्टर, क्योंकि सरकार के पास जाने का उनको कोई जरिया नहीं है ना, हमारे पास सरकार से मिलने का जरिया, तो एक मामूली मरीज के पास जरिया नहीं होता है, मरीज के पास एक ही होता है, उसके इमोशंस होते हैं। हम मैं नहीं कह रहा कि मरीज गलत है, मरीज के परिजन गलत है, कहीं ना कहीं मेरा आज परिवार का कोई सदस्य है, उसको दवाई नहीं मिलेगी, मेरे को भी गुस्सा आएगा, लेकिन क्या मेरा उचित है डॉक्टर? ये गुस्सा डॉक्टर पे मत उतारो, मंत्री पे उतारो, ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी पे गुस्सा मत उतारिए, और गुस्सा आता भी है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, जिससे कि गुस्से का जो हालात है उनको कंट्रोल किया जा सके, जूनियर डॉक्टर्स की भी सुरक्षा की जा सके, और मरीज का भी इलाज उचित रूप से हो सके। डॉक्टर कीर्ति, क्या ये संभव नहीं है, मैं इस फोरम से आपसे जानना चाहता हूँ, आप प्रवक्ता हैं जूडा की, क्या ये संभव नहीं है कि अभी बिना शर्त हड़ताल टाल दी जाए, आप लोग काम पर आ जाएं, महीने भर मेहनत कर लीजिए, आपने बहुत मेहनत की है, देश आपका ऋणी है, आप लगातार पहली लहर में भी आपने मेहनत कर रहे थे, आप लोग अभी भी कर रहे हैं, आपने बहुत सारे मरीजों को बचाया है, देश इसको भूल नहीं सकता। क्या ये संभव नहीं है कि अभी आप तत्काल काम पर आ जाएं और महीने दो महीने थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद आप फिर से एक मांग करें, जरूरत पड़े तो हड़ताल करें, लेकिन अभी अभी इस वक्त देश को, मरीजों को, अस्पतालों को आपकी जरूरत है। सर आप एक महीने की बात कर रहे हैं, ये लड़ाई हमारी 6 महीने से चल रही है, सरकार से हमारा बात 6 महीने चल रही है, 7 महीने हो जाएंगे, 8 महीने, 7-8 महीने बाद हम वापस से हड़ताल पे जाएं, ऐसा आप चाह रहे हैं, या आप इस बात का खंडन, इस वक्त ये हड़ताल समाप्त हो जाना चाहिए, तो क्या आप इस बात का खंडन करें, आप लिख के दे सकते हैं कि 1 महीने के बाद कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, अगर तब आ गई तो कभी सही नहीं रहता, हड़ताल सही नहीं है, समय भी कभी सही नहीं हो सकता, कोई किसी गलत चीज के लिए कभी समय सही नहीं होता है, हड़ताल सही नहीं है, पर हम हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हैं। आपको ये लग रहा है कि आपको आपदा में आप अवसर ढूंढ रहे हैं, आपको लग रहा है कि समय सरकार दबाव में है, सरकार अगर चले जाओगे तो अस्पताल खत्म हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे, यही वो सही समय है जब सरकार की कान उमेट कर आप अपनी मांगे मनवा सकते। सर अगर मुझे ऐसा करना होता तो 6 मई की हड़ताल, आधे दिन में कॉल ऑफ नहीं होती, जब 6 मई को जब केसेस इतने ज्यादा थे कि अस्पताल में अगर 10 मरीजों की जगह है तो 15 मरीज रखे जा रहे थे, डॉक्टर्स उतने ही थे, 15 मरीज ऐसे बाहर वेट कर रहे थे किसी न किसी मरीज के या तो डिस्चार्ज होने का या मरने का, अगर मैं अवसरवादी होती तो मैं 6 मई को हड़ताल कॉल ऑफ नहीं करवाती, तो उससे ज़्यादा अच्छा समय तो नहीं हो सकता था हमारे पास, क्योंकि तब तो उनके पास डॉक्टर्स भी नहीं थे, अभी तो सरकार ने फिर भी अन्य पद्धति के डॉक्टर्स को एम्प्लॉय कर दिया है या इधर उधर से डॉक्टर्स ले आए हैं, ये कोई नहीं देख रहा है कि वो एमओ को आपने अगर एक जगह से निकाला है तो उस जगह को कौन देख रहा है, सरकार आनंद फानंद में आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप हमारी मांगे क्यों नहीं, आप हमसे बात तो करिए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन सी मांग इतनी डिफिकल्ट, आप ये कह रही हैं सरकार हमसे बात नहीं कर रही है, हमारी जो सरकार की तरफ से जो जितने भी वार्तालाप हो रहे हैं उनमें स्टाइपेंड या मानदेय के मुद्दे को ही मेन बताया जा रहा है, कि बच्चे 24% पे नहीं मान रहे हैं, 17% को नहीं मान रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 24% का आंकड़ा मैंने नहीं दिया सरकार को, हम लोगों ने सिर्फ ये बोला था कि सब लोगों ने बढ़ाया है मानदेय, माननीय शिवराज जी ने हमसे बोला था कोरोना वॉरियर्स को 10,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, हमने बस आपकी बोली हुई चीजों को आपसे मांगा, हमने 24% नहीं कहा, उन्होंने ही 6 मई को कहा था कि 24% की वृद्धि होगी, 6 मई को कहा था सारंग जी ने 24% की वृद्धि स्वीकार करी थी, तो हम लोग तो इसी में खुश थे कि चलो सरकार ने हमारी बात सुन ली है, उन्होंने कहा 2 से 3 दिन में इसका लिखित आदेश आ जाएगा, तुरंत हम लोग वापस चले गए अपने अपने काम पे, अभी भी अगर आप हमसे कम्युनिकेट करें, हम भी समझते हैं कि फाइनेंस की प्रॉब्लम है इस वक्त, हेल्थ एक बड़ा सेक्टर, कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी ऐसी रही है, अभी मध्य प्रदेश के आंकड़े बहुत खराब आए हैं, बहुत खराब आए हैं अर्थव्यवस्था के, कि कलेक्शन नहीं हुआ है, हाँ जी, तो आप हमसे कम्युनिकेट करिए ना, वी आर रेडी फॉर नेगोशिएशन, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तभी तो हमारे अध्यक्ष वहां बैठे हुए हैं भोपाल में, आपको अगर भोपाल में मीटिंग करना ज्यादा आसान है, इसीलिए सारे लोग आए हुए हैं। अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट ने जिस तरह की तल्ख टिप्पणियां, तीखी टिप्पणियां आपको लेकर की हैं, और सरकार उस हाईकोर्ट के फैसले के बाद एस्मा लगाने के बाद और पावर में आ गई है, आपको कहा जा रहा है कि आप पैसे जमा कराएं, सीट छोड़ें, गिरफ्तार कराया जा सकता है, आपको हॉस्टल से निकाल दिया गया है, तो इसके बावजूद भी
आप समझौता नहीं करना चाह रहे हैं कि अभी भी आप इस्तीफा दिलवाएंगे लोगों से, आप भी इस्तीफा दे रहे हैं, ये हठधर्मिता जो आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार की दबाव में या हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद जो पूरा जनमानस आपके खिलाफ हो गया है, आम पब्लिक में आपके लिए अच्छी रिस्पॉन्स नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, पब्लिक इस वक्त आपको गलत मान रही है, तो क्या उसके बावजूद भी आप अड़े रहेंगे, इस्तीफा देंगे, सीट छोड़ेंगे, मगर हड़ताल से वापस नहीं लेंगे? सर, अगर पब्लिक हमें गलत मान रही है तो इसका दोषी मैं ठहराऊंगा सरकार को। सरकार चाहती वार्तालाप होता और कहीं ना कहीं ये हड़ताल की जो स्थिति बनी है ये नहीं बनती, परंतु सरकार ने अपना दमनकारी रवैया अपनाया। सरकार को कोर्ट ने हमें भी 24 घंटे का समय दिया था, सरकार को भी 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन सरकार ने 2 घंटे के अंदर 468 डॉक्टर्स जो हैं उनके एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी से रद्द कर दिया, रजिस्ट्रेशन जिसको आप बोलते हो, रद्द कर दिया एनरोलमेंट, परीक्षा नहीं दे सकते, मतलब आप लोग एमडी एमएस की परीक्षा नहीं दे। 468 डॉक्टर्स के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की, 468 में आप दोनों भी हैं, हम लोग सेकंड ईयर, हम लोग अगले साल पहुंचेंगे, आप जो पहले वाले, आप सीनियर, हमारे सीनियर्स, यहाँ मेरी बात क्लियर आप सुनिए कि सरकार ने 468 पंजीयन रद्द किए हाईकोर्ट के आदेश की समय सीमा पूरी होने से पहले। अगर सरकार ये क्या दर्शाना चाहती है, सरकार ने हाईकोर्ट में भी कहा कि हम इनसे बात करने को तैयार नहीं है, सरकार के सामने हमने अपना पक्ष रखा हाईकोर्ट में कि हम बात करने को तैयार हैं, आप बात कीजिए, हम 24 घंटे नहीं 24 मिनट में आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर हमको जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाने की, हम जरूर जाएंगे। सरकार अगर हमें दमनात्मक तरीके से दबा के और अगर काम करवाना चाहती है तो शायद ही ये हमारे लिए मुश्किल समय है कि कहीं ना कहीं हमको ऐसी नौकरी करनी ही क्यों पड़े फिर। पर ये संभव नहीं है कि आप अपनी हड़ताल में भी रहे और मरीजों को भी देखते रहे, कोई बीच का रास्ता ऐसा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मेरी चिंता मरीजों को लेकर है, चिंता मरीजों को लेकर है, मुझे इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टैंड क्या बन जाएगा या सरकार की जीत होगी या आपकी जीत होगी। मेरी चिंता इस वक्त ये है कि वो एमवाई में जो लोग ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं, जिनकी नाक आंख गला खराब है, उनके 6-7 दिन से ऑपरेशन नहीं हुए, वो तड़प रहे हैं, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके परिजनों को गले में पानी नहीं उतर रहा कि हम, हमारी माँ, बुजुर्ग माँ जो है उसका ऑपरेशन है और 6 दिन से ऑपरेशन इसलिए नहीं हुआ कि आप लोग हड़ताल पे, तो क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि हड़ताल भी चलती रहे और उनका इलाज भी होता रहे? सर, अगर ऐसा कोई रास्ता है तो आप हमें बता दीजिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हमारी अगर संवेदना मानव सेवा में थोड़ी सी भी कमी होती तो हम डॉक्टर नहीं बने होते सर। जिन परिस्थितियों में आज एक डॉक्टर काम करता है उनसे कहीं कहीं अच्छी परिस्थिति में एक इंसान काम करके उससे ज्यादा पैसे कमा सकता है। सिर्फ पैसा अगर हमारा मोटिव होता तो हम में से कोई डॉक्टर नहीं बनता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, जैसा आपने कहा कि मरीज परेशान है, सरकार चाहती तो मरीजों के हित में हमारी बातें मानती, हमसे बातचीत करती और तुरंत हड़ताल खत्म हो जाती, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों को जो जूनियर डॉक्टर्स हैं कहीं ना कहीं खेद है कि हम अपने मरीजों को नहीं देख पाते हैं। हम आज भी अस्पताल में जब धरना प्रदर्शन करने जाते हैं या अपनी बात रखने जाते हैं मीडिया के सामने, तो कहीं ना कहीं हमको दुख होता है अंदर से कि हम मरीजों को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मरीज तो फुटबॉल बन गया ना, आप कह रहे हैं कि सरकार को मरीजों की चिंता है तो हमारी बात मान लो, सरकार कह रही है कि भाई डॉक्टरों को मरीजों की चिंता है तो मान लो, सेवा हम तो बेचारा सफर कौन कर रहा है? सफर तो पेशेंट कर रहा है ना, पेशेंट के लोग कर रहे हैं। सर, किसी को हमारी सफरिंग क्यों नहीं दिखती? आखिर कब कब हमारे लिए संवेदनाएं जगेंगी? ये देश आपके साथ है, समाज आपके साथ है, सोसाइटी ने कहा, मैंने कहा आपके लिए थालियां बजाई, आपके लिए तालियां बजाई, आपको कोरोना वायरस माना गया। मैंने ऐसे अनेक वीडियोस वायरल होते हुए देखे हैं जिसमें डॉक्टर्स की प्रशंसा की गई है, नर्स अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है, बच्चा रो रहा है, लोगों ने उसके लिए बहुत सारी टिप्पणियां करी। ऐसा आप ये ऐसा नहीं कहिए कि समाज ने आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया। मैं मानता हूँ कि भगवान के बाद अगर इस दुनिया में कोई भगवान है इस संसार में धमी पे, तो वो आप हैं, डॉक्टर, ये मानता है इस देश। लेकिन मैंने कहा ना, टाइम सही नहीं है। आप हमको भगवान नहीं मानिए, हमको इंसान ही रहने दीजिए, हम हमारे पैसे बढ़ा दीजिए। नहीं, पैसे नहीं चाहिए हमको, हमको सुरक्षा चाहिए, हमको अपने लिए एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। हम लोगों को पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसे की जरूरत होती तो शायद मेरा जितना एजुकेशन लेवल है आज, उस एजुकेशन लेवल पे मुझसे कई 10 गुना ज्यादा पैसे लोग कमा रहे हैं उस एजुकेशन लेवल पे। मैंने डॉक्टरी चुना, अपनी इच्छा से चुना, मैंने डॉक्टरी किसी दबाव में नहीं चुना, लेकिन आज कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि अगर मैं वो काम कर रहा होता तो खुश होता, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात है ही नहीं, यहाँ पे एक आत्मसम्मान की बात होती है,
एक आपकी गरिमा की बात होती है, आपकी सुरक्षा की बात होती है, कहीं ना कहीं जब आपको जब पीड़ित होते हैं। मैं आखिरी सवाल कीर्ति जी आपसे करूंगा, दोनों सुनो, क्या कोई रास्ता है हड़ताल खत्म होने का कि ये चलती रहेगी इस तरह से? मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर, अगर आज मैं कोरोना वाले मरीजों के किसी भी मरीज को देखती हूँ, मैं अपनी जान दांव पे लगा रही हूँ, अपने घर वालों की जान दांव पे लगा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है, मैं रिस्क पे हूँ, मेरे साथ बीमारी लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो मेरे लिए अस्पताल में जगह नहीं। किसी तरीके से अगर मैं खुद ही अपनी जगह बनाऊं, अपने इलाज का बहन खुद करूं, तो मेरा स्टाइपेंड कम है, वो सब भी करने के बाद अगर मैं इन सब चीजों के लिए अपनी मांगे उठाऊं, तो मेरे पास अपनी मांग उठाने का भी अधिकार नहीं है। क्या हमारी जगह नहीं है इस भारत देश में या इस प्रदेश में? क्या हम जनता का हिस्सा नहीं है? हमें हक नहीं अपनी डिमांड्स रखने का? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि क्यों आखिर हमारे लिए संवेदना नहीं है? हमारी डिमांड्स के लिए कभी समय सही नहीं होता है? कभी डॉक्टर अगर अपनी डिमांड को लेकर के काम बंद करेगा तो लोग बोलेंगे हाँ ये सही समय इनके स्ट्राइक पे जाने का? कभी ऐसा हो सकता है? आप बताइए कौन सा समय सही होगा अपनी डिमांड्स रखने के लिए? बहुत धन्यवाद आप दोनों का। डॉक्टर कीर्ति जो सवाल उठा रही है वो सवाल समाज को सोचना होगा। समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह इस हड़ताल पर सक्रिय रूप से सामने आए और सरकार पर भी ये दबाव डाले कि वो मांगे जो डॉक्टरों की सही हैं, उचित हैं, जायज़ हैं, उन्हें मान लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे साधन जुटा सकते हैं। सरकार बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर ला सकती है, रेमडेसिविर ला सकती है, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन ला सकती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर हमारी ज़रूरत है, इसलिए डॉक्टरों को बहुत गंभीरता के साथ सरकार को संवाद बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, हमें कोई बुला नहीं रहा। सरकार की जिम्मेदारी है कि डॉक्टरों को बुलाए, उनको सुने और एक बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि मरीज़ इंतज़ार कर रहे हैं ऑपरेशन का, मरीज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आकर उनको देख ले, मरीज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनको समय पर दवाइयाँ दे दे। ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्टर्स भी समाज का ही एक हिस्सा है, और अगर हमारे समाज का एक हिस्सा रूठा है, नाराज है, तो समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि उसकी नाराज़गी दूर करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें, और डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी है कि वह इस वक्त मौके की नज़ाकत को समझें, वक्त के तकाजे को समझें, और कोशिश करें कि कोई बीच का रास्ता निकले। मरीजों का नुकसान किसी भी सूरत पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरकार की जीत हो या डॉक्टरों की, मरीज सर्वोपरि है। अगर मरीज को हम नहीं बचा पाए तो ये पेशा बदनाम होगा, व्यक्ति नहीं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।